आज वोटिंग है प्रथम चरण की, किस तरह की इस बार उम्मीदें हैं बीजेपी को, खासकर अगर प्रयागराज की बात करें? हम लोग फिर जीतने वाले हैं महापौर, जिस तरह पिछली दफे जीते थे। नगर इकाई के पार्षदों के, पंचायत के और पालिका के जितने भी हैं, हम लोग का पहले से बहुत बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है, क्योंकि पिछले 6 साल में डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से कार्य किया है उत्तर प्रदेश में विकास के लिए और कानून व्यवस्था के लिए, उसको देखते हुए सभी को मोदी जी और योगी जी पे भरोसा है। और नीचे जो निकाय होती है उसके अंदर भी वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद और जितने भी सभासद हैं वो जीते, और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का हो, विशेष रूप से प्रयागराज में, क्योंकि इस दफे जो वोट पड़ रहा है प्रयागराज में वो 2025 महाकुंभ के लिए पड़ रहा है और कानून व्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। जिस प्रकार से कानून व्यवस्था पे लगाम और जो माफिया उत्तर प्रदेश के और विशेष रूप से पूर्वांचल के जिस प्रकार से एक साम्राज्य चला रहे थे, उस साम्राज्य को किसी ने खत्म किया है तो वो योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता उससे खुश है क्योंकि जनता को शांति चाहिए, और वो जब शांति मिलती है और सुकून मिलता है, सुरक्षा मिलती है, तो वो अवश्य उसी पार्टी को वोट देते हैं जिसने ये उनको उपलब्ध करवाया। लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम कर रही है, उससे लोगों के अंदर सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, और इसी के चलते इस बार जो बीजेपी है, बीजेपी के जो तमाम प्रत्याशी हैं और पूरी पार्टी अगर कहें तो प्रदर्शन जो है, जो पिछले बार का प्रदर्शन था उससे बेहतर होने जा रहा है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ